आप शादी किससे करना चाहेंगे, एक यूट्यूबर से या एक आईएएस ऑफिसर से? किसी भी आप जो यूट्यूबर बने हैं शुरू में क्या कितना इजी था 45,000 सब्सक्राइबर्स तो अभी आप यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है यहाँ पर क्या कुछ? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं अभी आया हूँ एलोफ्ट होटल दिल्ली में, और मेरे साथ कृति बैठी हैं, कृति शर्मा। हम इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि आज एक YouTube का एक प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग। कैसे हैं कृति जी आप? आई एम वेरी गुड, इट्स नाइस टू कम इन दिल्ली आफ्टर सो लॉन्ग। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, बट आई लिव इन चंडीगढ़ फॉर माई स्टडीज। आई एम परस्यूइंग इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम SD कॉलेज चंडीगढ़। प्रीति जी, आप जो यूट्यूबर बने हैं, हाँ जी, शुरू में ख्याल क्या आया? नथिंग, ये था कि आई वॉज द स्टूडियस वन, मतलब पहले से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मुझे ऐसे लगा कि कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, बैक बेंचर्स टाइप स्टूडेंट्स, जिनको ऐसा होता है कि ट्यूशंस प्रॉपर नहीं मिल पाती या पेरेंट्स का फोर्स होता है, तो वो कैसे एग्जाम्स क्लियर करें, ठीक है? तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे तरफ से एक इनिशिएटिव हो सकता है, तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया, जो कि किया था 17th May 2018 में, और ये 2019 में मेरे को 45,000 सब्सक्राइबर्स उसमें मिले, और प्लस 3-4 million प्लस व्यूज उसमें आए थे एक साल में। ओके, तो कितना इजी था 45,000 सब्सक्राइबर्स पाना? बिल्कुल इजी नहीं था। इट्स लाइक कि जो मेरे वीडियोस थे उसमें से कुछ ऐसे थे जो बच्चों को शायद बहुत पसंद आया, तो मुझे उससे एक आइडिया मिला, क्योंकि कभी ये काम है ना, इसको करके पता चलता है कि लोगों को क्या पसंद है। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ में बच्चे इंटरेस्टेड ज़्यादा हैं, उस पर कंटेंट कम है, तो मैंने वो बनाना शुरू किया, और धीरे धीरे करके फिर फॉलोवर्स मिलने शुरू हो गए। हर जगह मैं सीधी सी बात करूँ, भगवान की आरती चलती है तो लोग गालियाँ वहाँ भी डाल देते हैं, वो ऑब्वियस बात है। तो आपके चैनल पे भी अब्यूजिंग वर्ड्स यूज हुए होंगे, कुछ नेगेटिविटी आई होगी, डिमोरलाइजेशन पैदा हुई होगी, तो मेंटोर का काम कौन करता है? मतलब कहाँ से आप अपने आप को पॉजिटिव कर पाते हैं? इट्स नॉट लाइक पॉजिटिव, इट्स लाइक इफ वी सी द एग्जांपल ऑफ भुवन बाम, ठीक है, व्हेन ही यूज्ड टू गिव गालीज एंड ऑल अब्यूज, सो एक टाइम पे था लोग उनको गालियां देते थे, भुवन बाम से उनका एक टाइम था लोग उनको गाली देते थे, ठीक है, आज के टाइम पे लोग उनसे गाली लेने जाते हैं कि आप हमें गाली दो, सो दैट मेक्स द चेंज ना। ओके, कि जो इंसान वो काम कर रहा था, लोग उसके लिए उसके पास जा रहे हैं, सो दैट मेक्स द डिफरेंस। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, जो तुम कर रहे हो उसमें पॉजिटिविटी या नेगेटिव है डजंट मैटर, बट जो तुम्हारी चीज़ है ना, वो जैसी आज है वैसी भी कल होनी चाहिए, तुम्हें किसी के लिए खुद के कंटेंट या खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इफ़ समवन विल लाइक यू देन इट्स ऑब्वियस, नहीं पसंद करता तो आप यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है यहाँ पर क्या कुछ सीख के जाएंगे? पहली बात तो बहुत सारे यूट्यूबर्स होने वाले हैं, अब जैसे आप हैं और भी हैं, तो धीरे धीरे करके ना हर किसी से कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैक्टर मिलता है, कईयों से एडिटिंग स्किल्स मिलेगी, कईयों से कुछ सीखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं बहुत छोटी भी हूँ आप लोग के सामने, तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं देखो आपके 45,000 मैं खुद सीखता हूँ कि भाई आपने एक साल में इतने सब्सक्राइबर पाए हैं, बहुत मेहनत की होगी, मैं वो चीज़ें सीखूँगा आपसे, पूछूँगा। और अभी पैशनेट हैं, इसको कितना फ्यूचर, कितना पैशन आप इसमें लगा सकते हैं? द थिंग इज आई ओनली डू यूट्यूब फॉर पैशन, बेसिकली आई वॉन्ट टू बिकेम अ प्रोफेसर, ठीक है, बट द थिंग इज मैं इसे इसलिए करती हूँ क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है, जैसे कि अगर मेरे को प्रोफेसर बनना है तो उसमें भी मेरे को टीचिंग लाइन पे ही जाना है, सो मैं इसको बस अपने मन से होता है ना एक कि किसी को हेल्प करना है, सो इट्स लाइक दैट। ये जहाँ तक मेरे स्टूडेंट्स इसको लेके, बेसिकली आई प्रोवाइड एजुकेशनल वीडियोज़, जैसे मैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के वीडियोज़ डालती हूँ, okay, कि हाउ टू प्रिपेयर देम, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आएंगे। इट्स नॉट अबाउट, नॉट प्रॉपरली वी कैन से शॉर्ट ट्रिक्स, बट लाइक 1 hour में आप पूरा चैप्टर की होल थ्योरी समझा क्लियर आ जाए। हाँ, मतलब ये है कि अगर बच्चे ने बुक नहीं खोली है तो लास्ट 1 hour में वो क्या क्या ऐसा पढ़ ले कि वो अच्छे से क्लियर हो जाए ये, या फिर मैं पूरे एक चैप्टर को कैसे समराइज करके उन्हें प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो उनके लिए पेपर में बेनिफिशियल। तो आप एक यूट्यूबर ज़्यादा बनना पसंद करेंगे एजुकेशन सिस्टम में, या एक प्रोफेसर, व्हाट वुड यू लाइक? क्योंकि एजुकेशन दोनों जगह दी जा सकती है, एक क्लासरूम में भी बैठ के दी जा सकती है, और एक ऑनलाइन भी। बट आई थिंक यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज यहाँ से बैठे बैठे मेरे वीडियो कितने बच्चे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, बट इन अ क्लासरूम आई विल रिस्ट्रिक्ट टू ओनली 60-70 पीपल एज मच एज आई थिंक, मतलब यही होता है। अब ये है कि मैं चाहूँगी अगर मैं एक अच्छी यूट्यूबर बनूँ तो मेरे स्टूडेंट्स भी खुशी होकर क्लास लगाने आएंगे कि हमारी मैम यूट्यूबर है, बच्चे को पढ़ा रही है, तो वो अच्छा फैक्टर होता है। ओके, अभी थोड़ा सा तीखा क्वेश्चन, यूट्यूब में अगर कोई आपको एक चांस दे, भाई आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, 1,000 सब्सक्राइबर के लिए आप कितना क्या कुछ कर सकते हैं? इन सेंस कैसा चांस? मतलब
किस तरह से मैं समझाऊँ? कोई अगर ये कहे आप इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर, शादी किससे करना चाहेंगे, एक यूट्यूबर से या एक आईएएस ऑफिसर से? मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मेरे काम से शादी करना चाहूँगी एट द एंड। मतलब कोई यूट्यूबर ही हो ऐसा? इट्स नॉट लाइक कोई यूट्यूबर ही हो, शादी वादी इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये कि अपने प्रोफेशन को डिफरेंट रखना चाहिए। प्रोफेशन अगर हम सोचें आपका इसका प्रोफेशन बढ़ेगा, अगर मान लो कोई बड़ा यूट्यूबर है, सो ऑब्वियसली पता है क्या होता है द थिंग वी डू, मतलब लड़कियां भी बेसिकली करती हैं, अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए किसी ऐसे के साथ मिंगल होना, वो उस प्रोफेशन में इट्स टोटली अबाउट गेनिंग फेम। ओके यू डू इट योरसेल्फ। मेरे पीछे कोई भी नहीं था सपोर्ट करने वाला, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी ये नहीं है, मेरी मम्मा प्रोफेसर हैं, ठीक है, एडिटिंग वीडियो ये तो मैंने देखा ही नहीं, प्लस टू तक मुझे पता भी नहीं था कि हम लोग ये वीडियोस डाल भी सकते हैं यूट्यूब पे। मुझे लगा था बचपन से ही जैसे हमें टीचर बनना होता है ऐसे कुछ बच्चे यूट्यूबर बनते हैं जो वीडियोज डाल सकते हैं। सो यही है कि अगर करने पर आओ तो सब हो जाता है, अगर 45 हो गए तो भगवान की दया से लाख भी हो जाएंगे और मिलियन भी हो जाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन हो भाई, हाँ मेरा ये काम करने से अगर मैं किसी बड़े यूट्यूबर से शादी कर लो या किसी बड़े से, तो मेरा फॉलोअर्स बढ़ जाएगा और कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं सोचते आप? नहीं नहीं, मतलब लीगली ही रहना चाहते हैं, कोई ऐसा कॉकटेल की टाइप आप यूट्यूब पे काम नहीं करना चाहते? आई वॉन्ट कि लोग मेरे को मेरे नाम से जाने, कृति शर्मा, ऐसे नहीं कि ये भुवन बाम की गर्लफ्रेंड है या कैरी मिनाटी की गर्लफ्रेंड है, इट्स नॉट लाइक टैग, अपने अपनी अपनी एग्जिस्टेंस होनी इम्पोर्टेंट, अपनी एग्जिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं पे भी। और मुझे और भी अच्छा लगता है, मेरे चैनल का नाम है कृति शर्मा भी रख सकती थी, बट मैंने क्रिएटिव लर्निंग रखा क्योंकि बच्चे रोक के बोलते हैं आप क्रिएटिव लर्निंग वाली दीदी हो ना, इट्स लाइक वो मेरे को मेरे काम से जान रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट नेम की उसको फेम मिले, इट्स लाइक मेरे काम को फेम मिले, वो मुझे ज़्यादा पसंद आए। कितना सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से मिलता है? पूरा 100%। पूरा 100%, कहीं भी आओ जाओ, नो प्रॉब्लम, नो इशू, नो बीइंग अ स्टूडेंट, वो भी जो अच्छा है पढ़ाई में, जो कॉलेजेस में भी अपने स्कोरिंग है, टीचर्स की गुड लिस्ट में है, उसके बाद वो यूट्यूब भी कर रहा है, अनअकैडमी भी मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इट्स लाइक वो सपोर्ट कर रहे हैं तभी शायद मैं कुछ कर रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है यूट्यूब में? हाँ अच्छा ही लगता है। अभी इसमें और सीरियस हो रहे हैं या मतलब कई बार डीमोरलाइज हो जाते हैं? नो इट्स नॉट लाइक डीमोरलाइज, इट्स लाइक मेरे स्टूडेंट्स मुझे मोटिवेट कर देते हैं। लड़कियों के लिए कितना इजी है इस फील्ड में आना? थोड़ा टफ है, मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे को तो मम्मी सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली, मेरे को अगर कुछ चाहिए तो ठीक है, बट हर किसी लड़की के लिए नहीं। अब ऑब्वियसली मैं दिल्ली आई हूँ, यहाँ पे मेरी मम्मा ने भेजा है मेरे को कि बेटा जाओ, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी सो यू शुड गो देयर, बट हर लड़कियों के साथ ये सीन नहीं है ना, हर कोई नहीं आ सकता आजकल के टाइम पे। तो यही है कि अगर मेरे को शायद घर वाले मौका नहीं देते तो मैं यहाँ बैठी भी नहीं होती, अगर वो भी पहले ही रोक देते कि नहीं जाना तो फिर तो इजी नहीं है। बस ये कि अगर आप थोड़ा हिम्मत ना हारो या फिर कन्विंस कर सको, मैं आपके साथ कोलैब्स में 4-5 वीडियो बनाऊँ आपके ही कंटेंट से, तो इज इट पॉसिबल और नॉट? भाई हम कोई लोकेशन, हम कोई वेन्यू रख लें संडे टाइप, और मैं कोशिश करूँ हम लोगों से अपील करें भी किस टॉपिक पे आपकी कोई इशू है, एजुकेशन हमारा काम है, तो 1 घंटे का लेक्चर 2-3 सब्जेक्ट्स पर अगर आप दे दें तो कोई इस टाइप का पॉसिबल है हम? हाँ, कर सकते obviously. मेरा काम ही पढ़ाना है, उस पढ़ाने का काम बस एक वेन्यू डिसाइड करना है कहाँ पर मिलना है। तो जी आप संदेश क्या देना चाहेंगे यूट्यूबर्स के लिए? यूट्यूबर्स के लिए जी ऐसा मेरे को लगता नहीं कि मैं किसी को भी कुछ देने के लायक हूँ, कोई भी संदेश, जो भी काम कर रहे हैं सब अपने लेवल पे बेस्ट करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं पर्सनली जो मुझे भी पसंद है, एक मनोज दे हैं जो एक बिहार से थे, तो अगर वो यही सोच के हार मान लेते कि अगर वो यही सोच के हार मान लेते कि मुझसे नहीं होगा, आई डोंट हैव दैट इक्विपमेंट, यू नो आई डोंट हैव गुड कैमरा, आई डोंट हैव गुड ट्राइपॉड, सो शायद आज वो 5 लाख क्रॉस ना कर पाते। सो एफर्ट्स चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी इज अ सेकेंडरी थिंग, अगर कंटेंट अच्छा है ना लोग चाहे ईयरप्लग्स लगा के देखें पर देखते हैं वीडियो, यही बात है। सो हार्ड वर्क करते रहो, एक दिन हो जाएगा। थैंक यू जी आपसे मिलके बहुत सारी लड़कियों को हिम्मत मिली होगी, बहुत कुछ सीखने को उनको मिला होगा, और थैंक्स, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, ओके जी, जय हिंद।